तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई लघु जल संसाधन विभाग में जल जीवन हरियाली अभियान की वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जेई के लिए मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए यहाँ पर संविदा के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या एज होगा, कितनी सीट है टोटल, कितने फीस लगेंगे फॉर्म भरने में, कितने सैलरी होगी, कब तक स्टार्ट होगा और कब तक करना है, इन सभी के बारे में। और साथ ही इसकी एग्ज़ाम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, इन सभी के बारे में समझा दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले रिक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 200 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पर 150 सिर्फ मैकेनिकल सिविल वालों के लिए है और 50 सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए ही दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपको यहाँ पर सिविल के लिए 150 और मैकेनिकल वालों के यहाँ पे 50 सीटें हैं। तो सीट यहाँ पर आपको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण नीति जो बिहार सरकार के द्वारा अनुपालन ही किया जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यहाँ पर 27,000 रुपये दिया जाएगा प्रति महीने, साथ में इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकेगा। फिर देखें कि इसके क्वालिफिकेशन, तो यहाँ लिखा है AICTE से मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय संस्थान से मैकेनिकल या सिविल में से डिप्लोमा अथवा समकक्ष होना चाहिए, जिसमें स्टेट टेक्निकल बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो अथवा डीप्ड यूनिवर्सिटी से भी अगर पास हो तो भी भर सकते हो, जिसमें लिखा डिप्लोमा होना चाहिए सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अथवा समकक्ष योग्यता। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बहुत से बच्चों का दिमाग आएगा कि बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है तो वहाँ पर बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है डिप्लोमा इन सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं अथवा समकक्ष योग्यता, तो समकक्ष उसके ये भी आ सकता है। साथ में उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2019 को न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। जहाँ पर EBC BC1 पुरुष और महिला दोनों की बात करें तो 40 साल, वहीं पर फीमेल जनरल कैटेगरी के हों तो 40 साल उनका मैक्सिमम एज होना चाहिए। साथ में SC ST को यहाँ पर देखा जाए तो 42 साल यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर जो छूट होता है सरकार के द्वारा वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो अभी आपका हुआ है। अब यहाँ पर नियोजन अवधि मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्जाम में यहाँ पर आपका मिलेगा नौकरी तो कितने साल तक होगा, तो यहाँ पर लिखा संविदा के आधार पर नियोजन अवधि नियोजन की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष, मतलब कि 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा, हो सके इसे बढ़ा भी दिया सकता है या नहीं भी बढ़ाया जा सकता है। चयन की प्रक्रिया देखिए तो लिखा डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव के लिए अनुमान्य अंक के आधार पर चयन किया जाएगा, मतलब डिप्लोमा में पास किए हों और साथ में अगर पास आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उन दोनों का क्या बनाएगा, एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आप लोग को, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको माइनर इरीगेशन बिहार .gov.in पर देखा जा सकेगा। विज्ञापन एवं शर्त से संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है, मतलब इसमें कुछ भी चेंज करना हो तो इन सभी का अधिकार विभाग के पास ही हैं, जिसमें विभाग इन पैनलमेंट की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना बताए कारण भी रद्द कर सकता है। इसमें कुछ लगेगा गड़बड़ी हुआ है तो वो रिजेक्ट भी या पूरा फॉर्म को ही कैंसिल कर दिया जाएगा भी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर स्टार्टअप का 9 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक ये फॉर्म गिरेगा 4 बजे शाम तक, जो कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई होगा। बाकी जानकारी आपको minorirrigations.bihar.gov.in पर देखा जा सकेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन के करने का तरीका क्या है, तो इसका मैं आपको बता दूंगा जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो उससे पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, आपके पास क्या होना चाहिए, तो फोटो, साइन और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैट्रिक, डिप्लोमा, अगर कोई एक वर्क एक्सपीरियंस हो, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, इन सभी में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है तो फॉर्म भरने के लिए। तो इसका जब लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको उसका बता दूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ फीस कितना लगेगा इसको फॉर्म भरने में, तो आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लास्ट पॉइंट वही है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म, तो आप भर सकते हो। और आपका डिप्लोमा के हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, मतलब डिप्लोमा में जितना नंबर लाएंगे और जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।